हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मंत्रा। हम यहाँ पर वो वीडियो प्रोवाइड करते हैं जो आपके रिलेटेड हैं। बिल्कुल आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है थर्मल पावर स्टेशंस। आज का हमारा टॉपिक जो क्या है, थर्मल पावर स्टेशंस। अब थर्मल पावर स्टेशंस होता क्या है, ये जान ले आप इस वीडियो में, और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज करवाऊंगा, और वर्किंग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, डीजल पावर स्टेशन और न्यूक्लियर पावर स्टेशंस के बारे में। आइए तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है थर्मल पावर स्टेशंस। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है थर्मल पावर स्टेशंस की, इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यह एक साइट है थर्मल पावर स्टेशंस की, कुछ ऐसा सिनेरियो वहां पर रहता है। और अब डेफिनेशंस देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है, थर्मल पावर स्टेशन इज ए पावर स्टेशन इन विच हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब क्या है, आपको मैं हिंदी में बता दूं, ऐसा ही नोट डाउन अगर आप कर रहे हैं तो नोट डाउन ऐसे कर लें। थर्मल पावर स्टेशंस वह पावर स्टेशंस है जो कि हमारी हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसकी एनर्जी है, कोयल की एनर्जी को। हम कोयल को हम जलाते हैं और उसमें पानी की भाप बनाते हैं बॉयलर में, और पानी की भाप से हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट करते हैं, और टरबाइन जो है हमारी जनरेटर से कपल्ड होती है, और कपल्ड होने के कारण हमारा जनरेटर है जो रोटेट करता है, और रोटेट करने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कुछ ऐसा सिनेरियो रहने वाला है इसमें, इसमें कुछ ऐसा ही है, जनरेटर हमारा रोटेट करता है और इलेक्ट्रिकल पावर हमारी जनरेट होती है, ऐसा है। अब हम देख लेते हैं इसका अरेंजमेंट क्या क्या है, कैसे कैसे यह वर्क करता है, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट लगते हैं, क्या क्या इसके प्लांट्स के अंदर होता है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। ये आप स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, जो ये है हमारा थर्मल पावर प्लांट लेआउट। इसमें सबसे पहले हम इसको चार भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा, वो है दोस्तों कोयल एंड एस अरेंजमेंट, यानी कि कोयल का अरेंजमेंट और राख का अरेंजमेंट। क्योंकि जब कोयला जलता है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होने के कारण हमें यह ज़रूरी हो जाता है कि हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे हैंडल करें ताकि वह बाधा ना बने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोयल स्टोरेज है, कोयल स्टोरेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोयल स्टोरेज है, कोयल स्टोरेज एंड हैंडलिंग, हैंडलिंग कोयल हैंडलिंग के लिए होता है कुछ ऐसा। तो कोयल स्टोरेज होता है, जो कोयल है वो दूर दूर के क्षेत्रों से लाया जाता है और एक बंकर्स में स्टोर कर दिया जाता है। उन बंकर्स में क्या होता है, कोयल को हम स्टोरेज कर लेते हैं और कन्वेयर बेल्टों के द्वारा उसको हम फर्नेंस से तक पहुंचाते हैं। और कोयल हैंडलिंग प्लांट, इसके बारे में जो काम होता है वो कोयल हैंडलिंग प्लांट में होता है। कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम फर्नेंस तक पहुंचाते हैं ताकि हमारा कोयला जलाया जा सके। दूसरा है हमारा जो है एस स्टोरेज और एस हैंडलिंग प्लांट, ये वाला अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वाला हमारा हैंडलिंग प्लांट है, एस हैंडलिंग प्लांट और हैंडलिंग प्लांट, एस हैंडलिंग प्लांट ऐसा कुछ है। तो क्या होता है, अगर मैं, अगर हमारा जो पावर प्लांट है वो 100 मेगावाट का हो, और वह क्या करता है, 50 हजार से लेकर 20 हजार टन का कोयला जला लेता है दोस्तों, ऐसा है, उस कोयले को हम रेल के माध्यम से या रोड के ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लेके आते हैं, और उससे लेकर उसमें जो होता है वो 10% से लेकर 20% तक वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता है तो दोस्तों उसको हैंडल करने के लिए हमें कुछ प्लांट चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए। उनका जो है, उनका जो सिनेरियो है, उनसे डील करने वाला जो प्लांट है वो हमारा एस हैंडलिंग प्लांट है दोस्तों। इसके बाद आता है बॉयलर।
और बॉयलर आता है स्टीम जनरेटिंग प्लांट में। ये हमारा जो बॉयलर है, और ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, इसको हम बोलते हैं स्टीम जनरेटिंग प्लांट। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है अपना सुपर हीटर, उसके बाद होता है इकोनोमाइजर्स, उसके बाद होता है एयर प्री हीटर्स। ये तीन चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले बॉयलर देख लेते हैं, बॉयलर क्या क्या है, बॉयलर का काम क्या क्या है ये देख लेते हैं। बॉयलर क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। इसके नीचे जो फर्नेंस होता है उसमें क्या होता है? कोयल बर्न होता है, और कोयल के ऊपर जो हमारा बॉयलर है उसमें वाटर रहता है, और वाटर बॉयल्ड होता है उसकी स्टीम बनती है, और जो स्टीम बनती है उसकी वो हम इकोनोमाइजर्स और एयर प्री हीटर और सुपर हीटर को देते हैं। और सुपर हीटर हमारा देता है टर्बाइन को, टर्बाइन दे को देता है तो टर्बाइन रोटेट होती है। उससे पहले हम अपने सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए डायरेक्ट हम सुपर हीटर से या बॉयलर से डायरेक्ट हम टर्बाइन को जो स्टीम है वो नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हम जो बॉयलर से हमारी स्टीम प्रोड्यूस हुई है वो हम सबसे पहले सुपर हीटर को देते हैं। सुपर हीटर को देते हैं, क्यों देते हैं हम सुपर हीटर को? इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारी बॉयलर में जो स्टीम प्रोड्यूस हुई है वो वेट होती है, यानी कि गीली होती है थोड़ी, तो सुपर हीटर है जो उसको ड्राई कर देता है और सुपर हीट भी कर देता है। उसके बाद जो सुपर हीटर की जो स्टीम है वो हम डायरेक्ट दे देते हैं टर्बाइन को, और कुछ गैस जो बनती हैं, यहाँ पर लिखा है फ्ल्यू गैस, जो कुछ गैस बनती हैं वो हम इकोनोमाइजर्स को देते हैं। इकोनोमाइजर्स क्या करता है? इकोनोमाइजर्स क्या करता है? और यहाँ से जो इकोनोमाइजर्स हैं, यहाँ से वाटर, यहाँ से पानी इसको फीड किया जाता है। डायरेक्ट हम बॉयलर को पानी फीड ना करते हुए इकोनोमाइजर्स को हम पानी फीड कर देते हैं। तो इकोनोमाइजर्स क्या करता है? जो सुपर हीट की गैस थी उनके द्वारा ही उस पानी को हीट करता है, और यहाँ पर फिर डायरेक्ट इसको बॉयलर में दे देता है। कुछ ऐसा करता है हमारा इकोनोमाइजर्स। अगर हम डायरेक्ट बॉयलर उसमें पानी देते हैं तो क्या सिनेरियो रहता? उसका टेम्परेचर था वो डिक्रीज होता, और जो हमारी सुपर हीटर की गैसेस थी उनका यूज़ नहीं होता। तो इसलिए यह काम थोड़ा एफिशिएंट बन जाता है। और जो इकोनोमाइजर्स की गैस हैं वो यहाँ पर एयर प्री हीटर्स में दे दी जाती हैं। एयर प्री हीटर्स में देने का क्या कारण है? एयर प्री हीटर्स में, ऐसा ही लिखें, एयर प्री हीटर्स में जो हमारे हैं फोरस ड्राफ्ट फैन लगा है और एक इंड्यूस ड्राफ्ट फैन लगा है। जो फोरस ड्राफ्ट फैन है, ये वाला जो फोरस ड्राफ्ट फैन है दोस्तों, वो क्या करता है? एटमोसफेयर से एयर लेता है और एयर प्री हीटर्स में लगा देता है, और उसकी जो हॉट एयर है वो सीधी कहाँ चली जाती है? हमारे बॉयलर में चली जाती है। बॉयलर्स हम वही काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हवा ना देकर ड्राफ्ट फैन से, एयर प्री हीटर से हमारी जो पिछली गैस थी वही यूज करके उस एयर को हॉट बना रहे हैं, ताकि बॉयलर को ज़्यादा काम ना करना पड़े, ज़्यादा हीट ना करना पड़े, इसलिए डायरेक्ट वहाँ दे देते हैं। और जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है, जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है वो क्या करता है? चिमनी के द्वारा जो गैस बच गई उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। दोस्तों ये हमारा काम रहता है। यहाँ पर उससे आगे आता है हमारा, उससे आगे आती है हमारी टर्बाइन। टर्बाइन का क्या काम होता है? टर्बाइन में ब्लेड्स होते हैं जिनसे स्ट्रीम टकराती है तो वो रोटेट करते हैं, और यहाँ पर जनरेटर के साथ कपल्ड किया हुआ है दोस्तों। तो स्टीम जैसे ही हमारी स्टीम टर्बाइन रोटेट करती है, हमारा जो है जनरेटर भी रोटेट करता है, अल्टरनेटर भी जनरेट करता है, तो क्या होता है उसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मिल जाती है। और यहाँ पर जो एयर, जो स्टीम था, जो हमारा स्टीम था जो टर्बाइन से आया, वो हम यहाँ पर कंडेंसनर को देते हैं। कंडेंसनर क्या करता है? उसको एक ऐसे चक्कर में रोटेट करता है, और कूलिंग टावर से होता हुआ दोबारा कंडेंसर में, ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया है कि जो पानी है उसको हम रीयूज कर लेते हैं, और ठंडा होने के बाद उसको हम दोबारा यूज कर लेते हैं, और कंडेंसर फिर रिक्विमाइजर्स में इसको दोबारा भेज देता है फीड वाटर पंप के द्वारा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो होता है। और यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा है, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो स्टेप अप करता रहता है, और बस बार से हमें भेज दी जाती है हमारी जो पावर है। ऐसा आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे। इसकी अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं।
डिसएडवांटेज और एडवांटेज। एडवांटेज देख लेते हैं सबसे पहले, एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज हैं फ्यूल कॉस्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज रिलेटिवली लो। क्या है, फ्यूल कॉस्ट लो होता है क्योंकि फ्यूल कॉस्ट तो हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, इसमें हम कोयला यूज़ करते हैं और वाटर यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल, तो इसकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ही कम है एज कंपेरिजन्स टू डीजल पावर स्टेशंस कंपेरिजन्स में, पर हाइड्रोलिक पावर स्टेशंस की कंपेरिजन्स में यह बहुत ज़्यादा है। वी कैन प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी एट मोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। क्या है, हम थर्मल पावर स्टेशंस के लिए हमें कोई साइट देखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, हम कहीं भी इसको जनरेट कर सकते हैं, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट की इजीली जो है हमारी सुविधा हो वहाँ पर हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यह सिंपल होता है, तीसरा है जो वो सिंपल होता है, यह इफेक्टिव होता है और इजी मैकेनिज्म्स, इजी हम इसको यूज कर सकते हैं, और जो हीट है वो रीयूज्ड हो सकती है। मैंने बताया था हीट रीयूज्ड हो जाती है इकोनोमाइजर्स के द्वारा, एयर प्री हीटर्स के द्वारा मैंने बताया था। अगला डिसएडवांटेज देख लेते हैं, डिसएडवांटेज क्या क्या है। हुज प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बताया था कि धुआं होता है, गैसेज होते हैं, एस रिलीज होती है, तो CO2 का जो है प्रोडक्शंस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यह करता है, तो एयर पोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे इस प्लांट्स के द्वारा। इन्वायरमेंटली बैडली है, ये वही तथ्य है, पोल्यूशंस होता है और इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत कम है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोलिक पावर स्टेशंस। ये था हमारा पावर स्टेशंस के बारे में, थर्मल्स पावर स्टेशंस के बारे में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपने नहीं किया है तो, और इससे आने वाली वीडियो में मैं आपको हाइड्रोलिक पावर स्टेशंस करवाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद, और मेरी वीडियो जैसी भी आपको लगी हो तो प्लीज़ इसको कमेंट में फीडबैक देने का ज़रूर कष्ट करें। धन्यवाद, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।